है जग आयो, लोक सुनियो पर लोक सुनियो, विद लोक सुनियो सब दर्शन पायो, संगत पार उतारन को गुरु नानक साहेब पंथ चलायो। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहेब, धार के मूरत है जग आयो, आद करो गुरुदेव को बंदन, वाहिगुरु मुख माहे उचारी, दोए कर जोर करो चरणा पर, जाऊँ सदा गुरु को बलिहारी, कान सुने उपमा गुरु की, गुरमूरत ध्यान हृदय में धारी। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहेब, सेवक सरण गही दरबारी, दंडौत बंदन अनक वार, सर्व कला समर्थ, डोलन ते राख प्रभु नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास। वो गुजरै शास्त्र खाट पिंग गिरन चढ़ जाए, अंध लखै बदरो सुने जो काल कृपा कराए। गुरु नानक परशोत्तम परम परावर नाथ, जुगल चरण मम बंदन तर कर तर परमाथ। गुरु नानक सुख सिंध को हाथ जोर प्रणाम, जिस करना ते बढ़ेगी पावह गत विश्राम। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, जैत सरी महला चौथा, जिन हर हृदय नाम ना बस्यो, तिन मात कीजै हर बांझा, तिन सुनी देह फिरै बिन नावै, ओइ खप खप मोइ करंजा, जिन हर हृदय नाम ना बस्यो, तिन मात कीजै हर बांझा, तिन सुनी देह फिरै बिन नावै, ओइ खप खप मोइ करंजा। मेरे मन जप राम नाम हर मजहा, गुर ज्ञान दियो मन समझा, रहाओ हर कीरत कल युग पद उत्तम, हर पाइय सतगुर मजहा, हौ बलिहारी सतगुर अपने, जिन गोपत नाम पर गजहा, दर्शन साध मिलियो वड भागी, सब किल विख गए गवाजा, सतगुर साहो पाया वड दान, हर किए बह गुण साजा, जिन कौ कृपा करी जग जीवन, हर उर धारियो मन माजहा, धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लिखा समझा, जिन कौ कृपा करी जग जीवन, हर उर धारियो मन माजहा, जन नानक लिखा समझा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु जी
जयत सरी महला चौथा जन हर हृदय नाम ना बसयो तन तन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज तन तन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की महान बख्शिश कृपालता का सदका गुरद्वारा साहिब जी विखे जिथे अमृत वेले नाम बाणी का अभ्यास नितनेम दियां बाणियां दा पाठ उत्थे महापुरखां दी याद विच रखे हुए पाठां दे संपूर्ण भोग पए हन। गुरु के कीर्तनियां ने बड़े प्यार दे नाल शब्द बाणी दा कीर्तन आप संगतां नूं बड़े प्यार मिठी धुन दे साजां नाल शरवण करवाया है। बचन आउंदे हन जननी जनै ता भगत जन कै दाता कै सूर नहीं तां जननी बांज रहै काहे गवावै नूर। शब्द विच भी गुरु राम साहिब गुरु रामदास जी महाराज ने ऐसा संकेत दिता है, क्योंकि जां तां भगत संत बंदगी वाला सुपुत्र जां सूरमा ते जां दानी परपकारी नहीं तां कहिंदे वो अपने जोबन दे नूर नूं व्यर्थ क्यों गौंदी है, क्योंकि ऐसा पुत्र नहीं पैदा करदी। ते बाकियां लई लिखिया कि और सुत सब कीट पतंगा, और ऐसी माता बिरली हुंदी है जिहदे द्वारा उसकी पिछली बंदगी या भजन के प्रताप नाल ऐसे पुत्र की दात मिलती है। पुत्र नूं सुत भी कहिंदे है, ते जे सस्से नूं ऊंकड़ दे तत्ता लाउंदे आ ते सुत बन जांदा। जे सस्से ते अधक पा के तत्ता लाउंदे हां ये गणित का सत अंक बन जाता है। जे ससा तत्ते नूं सिहारी फिर वो सच का वाचक बन जाता है। जे ससे ते टिप्पी ला के तत्ता पाईए ते संत बन जाता है। एक एक अलग मात्र नाल अर्थ का बड़ा भेद बन जाता है। संत शब्द जड़ा इहदी उत्पत्ति सत तो हुई है, क्यों व्याकरण के अनुसार हर चीज़ का कोई तत्तु कोई बीज होंदा जिस तो वर्ण जड़े है या कोई भी चीज़ आ पैदा होंदी है। ते सत स्वरूप परमेश्वर है, जेड़े ना जड़ा पुरश उहदे नाल अभेद हो जाता उहनूं आपां संत कह दिंदे आ। जिन्हां सास विरासन विसरै हर नामा मन मंत तन से सही नानका पूरन सोई संत। ये थोड़े अखरां च ही संत दी परिभाषा महाराज ने दसी है, क्योंकि जिहड़ी सृष्टि है
ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜ ਕ੍ਰਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਪੋ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਨਕ, ਸਨੰਦਨ, ਸਨਾਤਨ, ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮ ਵਿੱਦਿਆ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਏਕੋ ਅੰਗ ਸਿਆਮ ਬਹੁ ਪਰਜਾ ਜੇ ਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮਨੋਰ ਸੱਤ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਜੈਸੇ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਬਿੰਬ ਬਿਨਾਂ ਕੈਸੇ ਕੁੱਪਰੇ ਧੋਈ। ਇਹ ਬਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅੰਡਾ, ਜੇਰੇ, ਸੇਤਜ, ਉਤਪਜ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 84 ਲੱਖ ਹੈ, 21 ਲੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 84 ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ। ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕ ਆ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਆ, ਅੰਗਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਆ, ਕਪਿਲ ਮੁਨੀ ਆ, ਗੌਤਮ ਆ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਵਿਆਸ ਆ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਾਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਕੋਈ ਨਵੀਨ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸੰਤ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦੰਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਆ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
उस पुरखा नाहे कदे बनास, जा कै मन प्रगट है गुणतास। इन्हां नूं खत्म करन वास्ते हरनाक्ष हरनकश्यप और इस तरह रावण आदिकां ने भी यत्न किया, कंस आदिकां ने भी, होर जिहड़े कलयुग दे राजे होए औरंगजेब आदिक, पर वो सारे फेल हो गए, पर जिहड़ा संत सी वो खत्म नहीं होया, क्योंकि नाम रहो साधु रहो रहो गुर गोबिंद, ओ नानके जगत में किन जप्यो गुरमंत। सो गुरु महाराज के पंथ विच बेअंत शख्सियतां और महाराज के वेले दियां संतां दियां संपर्दा कह दिओ, प्रणालियां कह दिओ, टकसालां कह दिओ, जथेबंदियां कह दिओ, वो अज भी चल रही हैं और चलदियां रहनियां हैं। अज जिस महापुरख दे जीवन की असी चर्चा कर रहे हाँ, जिन्हां दी याद विच सिंघां ने जो पुरातन मर्यादा उहदे मुताबक बाणी दे अखंड जाप हुए हैं, इंग्लैंड दे अंदर भी सिंघां ने इन्हां 25 जां 35 सिंघां द्वारा जो पाठ और निजम विच वो कीते भोग पाए, दास नूं उत्थे भी उन्हां ने बेनती कीती सी, सारे प्यार वाले उह सिंघ विद्यार्थी है, पर मेरा इधर दा प्रोग्राम बनिया सी, पर वो गुरु महाराज ने जिवें हाजरी लाउणी सी महापुरखां दे याद दे समागम च, जदों इत्थे सिंघां वलों फोन आया बड़ी प्रसन्नता होई कि अज ये महापुरखां दी इत्थे भी याद मनाई जा रही है, भावें वह विदेश विच नहीं आए पर उन्हां तों भरोसाए बहुत विद्यार्थी पाठी सिंह, रागी सिंह, ज्ञानी सिंह, नाम अभ्यासी, अमृतधारी, बेहंगम जां गृहस्थियां सारियां च मौजूद आ। अज असी जिस संपर्दा नूं निर्मलिया नहीं आए 35 संपर्दावां, गिड़बड़ी संपर्दा भी कह देंदे आ, दमदमी टकसाल नाल भी असी याद करते हैं, उस संपर्दा दे हीरे और महापुरख श्रीमान संत बाबा मोहन सिंह जी भिंडरांवाले, उन्हां दी सालाना पहली बरसी दे यादगारी समागम विच इस पवित्र स्थान ते जिथे सारे गुरुआं शहीदां दे महापुरखां दे जोड़ मेले मनाए जांदे आ, एक ऐसी स्टेज है अज भिंडरांवाले महापुरखां दी असी याद मनाउण दा सुभाग प्राप्त कर रहे हां। इहदे बारे सारे जाणू कि टकसाल किड्डी महान है। सो भावें इनू दमदमी टकसाल कहा जाता है, क्योंकि महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर नौवें पातशाह की बाणी श्लोक दर्ज किए, अपने मखारविंद तो पावन व्याख्या
भाई मनी सिंह साहब तो सुरूप लिखा के कीती। अगे टकसालां चलाउण दा हुक्म बख्शिया जो अज तक चल रही हैं और अपने ज्योति जो समाउण तो चार दिन पहला हजूर साहब गुरता गद्दी बख्शी फिर सचखंड प्याना कीता। भाई मनी सिंह साहब जी ने जो सरूप तैयार किया उस रूप दे बाबा दीप सिंह जी ने अतारे करके तख्तों ते सुभायमान किते। अज भी उन्होंने दर्शन उपलब्ध हैं। संपर्दा के महापुरख जिथे जिथे गए उथे उथे उन्होंने ये ब्रह्म विद्या की दात बंडते रहे। ये नहीं पीदा केंद्र एको जगह रहा, केंद्र जड़े सी वो समय समय के नाल बदलते रहे और उत्थे ये ब्रह्म विद्या की दात बंड हुंदी रही। जैसे श्रीमान पूर्ण महापुरख संत बाबा सुंदर सिंह जी महाराज जिन्हें अमराले जा के जो पाकिस्तान में रह गया स्थान, श्रीमान संत बाबा बिशन सिंह जी महाराज उत्थे जाके किमें घाल घाल ली, नेरा पढ़न तक सीमित नहीं, झकियां आटे पीने और खूहां चों डोला ना पानी कढ के महापुरखां दा अपना सारे व्यंगमां दा संगतां दे शनान लंगरां दी सेवा बर्तन मांजन तक गुरु ग्रंथ साहिब दी संगत दी सेवा महापुरखां दी अर्दल हजूरी सेवा वो जीवन पढ़िए ते रोंगटे खड़े हो जांदे आ कि किस तरह उन्हां लोकां ने घालना घाल घाल के ये विद्या लई है। और संत बाबा प्रेम सिंह जी महाराज मराले वाले जिन्हां नूं उस स्थान की महंती मिली और संत बाबा भाग सिंह जी ठटे टिब्बे वाले ये महापुरखों के सहपाठी है। महापुरखों दियाँ आशीर्वादा लैके श्रीमान संत बाबा सुंदर सिंह जी महाराज जिन्हों के सत्कार योग पिता बाबा खजान सिंह जी जदों उन्होंने पुत्रां वास्ते बेनती की, उन्हों का बड़ा अलौकिक जीवन है, कमाई वाला, गृहस्थियों उन्हों के जीवन तो बड़ी शिक्षा है, उन्होंने फिर परम माता जी ने आग्या की कि 1,25,000 श्री जप जी साहब जी का पाठ, 3,600,000 श्री मूल मंत्र साहब का पाठ मैं भी करांगा, तुसी भी करो। और खेती जिमें वह करते सी वह भी उन्हों का अलौकिक ही तरीका, बैलों के मूँह छिकली लै दे के कोई बगाने दे खेत मूँह ना मारन, कोई सिट्टा भी इधर ना आ जाए, जिन्हों असल रूप से कहिंदे धर्म की किरत, वो करके दिखाई बाबा खजान सिंह जी महाराज जी ने। फिर इतनी बंदगी तो बाद अकाल पुरख के चरणों च अरदास हुई, उन्हां दे घर दो सुपुत्रां ने जन्म लिया, श्रीमान बाबा सुंदर सिंह जी महाराज और श्रीमान बाबा इंद्र सिंह जी महाराज। हर
मां पे चाहता मेरा पुत्र दुनियावी तौर पर पढ़े तरक्की करे माया पदार्थ जायदादा दुनिया ही सम्मान प्राप्त करे। पर बाबा खजान सिंह जी ने ये नहीं मेरी कोई पीढ़ी चले, गुरु नानक दी पीढ़ी चले, दोहां सपुत्रां नूं बाल ब्रह्मचारी बनाया, पूर्ण यति पुरश। बाबा सुंदर सिंह जी महाराज, बाबा इंद्र सिंह जी, ये जिहड़ा नगर है इहदा भी बड़ा इतिहास अलौकिक है। पिंडरां दा उदों मुगलां दे बड़े हमले हुंदे सी, बड़ा जुल्म दा समां सी, भजन अठ पई रहिंदी सी। बाबा जी दे बजुर्ग भी आए कि किथे विश्राम करिए, किथे रहिए, टिका नहीं बनता। रोजाना गड्डियां दे उत्ते जां उठ बोते हुंदे सी, परिवारां नूं लै के घूमना, कोई घर काट ना होवे, आमदन दा स्रोत किवें बनाया जाए, बड़ा कष्ट सी। इस नगर विच आए, इत्थे उन्हां नूं एक महापुरखां दे दर्शन होए। वह सन्यासी महापुरख सन, उन्हां दा नाम शमनगिरी सी। साडा देश अवतारां दा, देवतियां दा, संतां महापुरखां दा देश है भारत खंड, क्योंकि इहदा जिहड़ा जन्म इहनूं खंडां जो भारत खंड कहिंदे आ, दीपां विचों जंबू दीप कहिंदे आ, और भारत दे नां ते इहदा नां भारत पिया। बिसबा मित्र द्वारा जो पछरां तों शकुंतला नां दी कन्या पैदा हुई, दुष्यंत राजे नाल उहदा गंधर्व ब्याह होया, उस तों जो लड़का पैदा होया उहदा नां सी भरत, उहदे नां ते इस देश दा नां भारत पै गया। सो इस वास्ते इत्थे ओह शमनगिरी जी महाराज सन्यासी महापुरख, क्योंकि साढ़े देश के लोग साधु संतां दे प्रेमी है, बेनती की कि महाराज सानू किते टिका नहीं मिलता, किथे बाल बच्चे नूं टकाइए, किथे निवास करिए। वो महापुरखों को ऐसा कौतुक वरताया, एक बघियाड़ आया उन्हूं बकरी ने भजा दिता। संत कहन लगे लै बई इत्थे पिंड दी मोड़ी कढ़ो, फिर बकरी बघियाड़ नूं भजा रही है, तुसीं सदा ही पिंड नाले जेतू रहोगे। गज के बोलो उस महापुरखों के हाथ में सोटी सी, उन्होंने गड दी। अज भी निशान है, उन्होंने स्थान भी बड़ा सुंदर है। दोनों ही पिंड आ विचाले रास्ता ही है। वो शमनगिरी जी के स्थान पर उन्होंने इन्नी श्रद्धा है, बड़ी अलौकिक। एक बार दास महापुरखों नूं दर्शन वास्ते मिलन लई गए, वो कुदरती ड्राइवर उस गली च गड्डी लै गए, वो बोर्ड पढ़िया मैं नमस्कार करन गया। वो मल्ले जी इन्नी शरदा देखी, कमाल दी गल है। शमनगिरी महाराज इन्हां ने साडा पिंड वसाया, अज हुण लीडरां तों आपां पत्थर रखाउने आ, पुराने लोग कमाई वाले महापुरखों तो शिला लेख रखाते होंगे सी, बस्ती अब चल रहे, अब चल नीव रखाए। देखिया कमाल की गल है कि सदियां बीत गई, अज भी किन्नी श्रद्धा है। बाद फिर महापुरखों के तप स्थान पर गए। इस ढंग ने जिहड़ा तूर गोत दे जां होर गोत है ये नगर उत्थे बसया, जिहदा नाम
ਪਿੰਡਰਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਨੇ ਜਵਾਲਾਦਾਸ ਅਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਇਮਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚਰ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਰੇ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਭਰਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਸੱਚਖੰਡ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾਰਾਮ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਧਾਈਕੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਚੇਚਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਲੌਕਿਕ ਬਚਨ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਲਧਾਈਕੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੇਅੰਤ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਅੰਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 1930 ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੋਪਾ ਰਾਮਾ ਉਹਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸਥਾਨ ਨਇਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਅਸਥਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਵੈਦੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਮੋਹਰੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾਖਰੀ ਗਿਆਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ।
अमृत वचन की वरिष्ठ कर कृपा दृष्ट के साथ भूप वै विचरत पैव बिरथा न साध मिलाप। साधु मिल जाए वह मिलाप व्यर्थ नहीं जाता। अनुभव खोलिया अनुभवी अज भी उन्हों की कथा 16 सीडिया च मिलती है। कृपा की सो साध संगत जी उन्होंने उन्होंने बख्शिश की। जदों पटना साहब गए 300 साल से महापुरखों सरोपा दिता गया। महाराज का अवतार गुरपुरब से 300 साल सारे पंथ विच खुशियां सी ते महापुरख भी बहुत खुशी विच सी। वो सरोपा उन्होंने संत बाबा मोहन सिंह जी नूं देना चाहिया कि हक तुहाडा। उन्हां दी बड़ी त्याग बिरती सी। फिर संत बाबा करतार सिंह जी ते उन्हीं कृपा कीती और कहन लगे कि मोहन सिंह दी बरगती तो डर लगता पे गुप्त हो के बह गए ते टकसाल दा निज क्रम बंद ना हो जाए। गज के बोलो वो टेप विच कुछ चंद शब्द भी भरे हुए है सुन सकते हो। जदों फिर महापुरख मैते शाह जी की बेनती तो हर साल जाते सी अंत समय भी उन्होंने कथा की। सचखंड जाने तो पहला सचखंड गए उन्हां दी आग्या नाल कीरतपुर साहब महाराज छेवें पातशाह जिथे ज्योति जोत समाए सतमें दंबा इतिहास है उत्थे महापुरखों का अंतम संस्कार की रस्म होई। तो उड़ीसा का सिंह महापुरखों के नाल जिस प्यारे सुनेहो ते साग अमर चलीए त्रिग जीवन संसार ता के पाछा जीवन। बहुत सिंह तुर पै प्यार च अकाली मिनिस्ट्री सी फिर पूरे पहरे नाल उन्होंने बचाया। तो महापुरखों ने प्यार ही इन्ना वंडिया इन्ना ज्ञान वंडिया नाम वंडिया धर्म सेवा वंडी सिमरन वंडिया सत्संग वंडिया अमर दियां दातां किन्नी कृपा कीती। अज भी उन्होंने विद्यार्थी देशों प्रदेशों माण लै रहे और तख्तों के उत्ते धर्म स्थानों से। उस तो बाद फिर समा कई करवटा बदलता तो बाबा मोहन सिंह इन्हों का जन्म पिंड सिंबली है। मैट्रिक तक पुराने जमाने नहीं विद्या पढ़ी फौज भर्ती होने वास्ते भी सिलेक्ट होए पर उन्हों की त्याग बराग की विरती गुरु नानक साहब के मिशन वल तुरी। संत बाबा अमर सिंह जिहड़े रुड़की वाले से उन्हां दे पास कुछ वेदांत दे ग्रंथ पढ़ते रहे ते महापुरखां दे कोल ब्रह्म विद्या गुरु का खजाना ये भी बख्शीशां लईयां और अमृतसर साहब पुरना बनिया कि बिरती प्रभाकर ग्रंथ पढ़ीए। ये पंडित निचल दास का लिखा है जो न्याय ज़्यादा है सिर्फ तिने दोहरे या बाकी का वर्त कही है फिर भी औखा बहुत है। उत्थे एक सूरमा सिंह सी वो बड़ा माहर सी। संतां ने उन्हें बेनती की कहन लगे सिखां च भी कोई है जिन्हें यह शौक है। कहिंदे जी तुसी कृपा करो। वो कहिंदे वे मेरे कोल इक तां तैनू रोटी नहीं मिलनी एक कपड़ा नहीं मिलना एक रहायश नहीं मिलनी। ध्यान ना सुन लियो अज तो सारिया सुख सुविधा मिलदियां फिर भी आप छड़ा मारते हैं। महापुरख किवें विद्या लेंदे ते रात दे पूरे एग्जैक्ट 12 बजे आना पिया करूगा। संत कहिंदे मंजूर है। एक साल वो जांदे रहे उन लड़ नहीं पड़ाया जिले देखे तो बहुत पक्का
कहिंदे हुण तेरे लई चारे दरवाजे खुले, जदों मर्जी आ कर। मैं देखना चाहुंदा सी तू अधिकारी भी है, देख लो विद्या लैण वास्ते एक साल किवें विचरदे रहे। अज जिन्हां दे बारे आपां विचार करदे हाँ, संतां दा कोई फुरना नहीं सी, कुछ विद्यार्थी पिंड दी संगत इलाके दी इस तरह माहौल कि उन्हां नूं इत्थे सेवा दित्ती जाए। ते श्रीमान बाबा करतार सिंह बड़े सूरमे महापुरख से सूरबीर बचन के बली कौलां बपरी संती छली बहते देख लो छप्पड़ किनारे तंबू ला के बैठे, कमाई वाले लोग सी सारी वर्ल्ड विच। उन्हूं पिंडरांली टकसाल दे नां ना बना गया। श्रीमान बाबा इंद्र सिंह जी महाराज दे कोल कई ईरखालुआं ने शिकायत भी करनी, ये मैते रह के पिंडरांला कहाउंदा। महापुरख महापुरख ही होंदे, कहिंदे पुत साडा ही किहदा कावे। देखो महापुरखां दे बचन, कहिंदे पुत साडा ही है। हुण तुसीं इत्थे आए हैं परदेश बैठे, फिर भी तुहाडे नाल तुहाडे पिंडां दीआं गोत जातां पिंड जुड़े हुए कि नहीं, बैठे तो इत्थे आ। कहिंदे साडा ही पुत है, साडा ही कौन है। मूँह नूं सब मंडा जंदा लाता महापुरख, मुड़ के बोलण जोगे नहीं छड्डे। कमाई कीती बाबा जरनैल सिंह बाबा ठाकुर सिंह केड़ा नहीं ना तो जाणू। इधर फिर संत हरिहर झोक भजन बाणी च रहिंदे हुंदे सी, इन्हां नूं स्पैशल बुलाया गया। संतवा इंद्र सिंह जी, बाबा अजैब सिंह, बाबा नारायण सिंह, हुक्म कीता कि तुहाडे को विद्या का खजाना बहुत बड़ा, असीं चाहुंदे हां कि साढ़े टकसाल के जिहड़े विद्यार्थी है वह विद्या के क्षेत्र में अधूरे ना रहन, क्योंकि विद्या विच अगे सी। संत मनदे न ते बाबा इंद्र सिंह जी कहिंदे तुहानू हुक्म आ, हुक्म दे अगे तां फिर कोई उजर रह नहीं जांदा। ते मैं उदन उत्थे विच सी, संतां तों इह भी पढ़दे सी अपने महापुरखों को बाबा सहेल सुणो को उत्थे गए हुए समागम च, सारा अखीं देखिया। और श्रीमान पंडित सुचा सिंह जी महाराज निर्मल पंचायती अखाड़े दे विच श्री महंत निर्मल भेख दे भूषण और सारियां संपर्दावां, संत मोहन सिंह जी नूं हुक्म करके ये दस्तारबंदी दी रस्म उत्थे कीती गई। उन्होंने अपने तौर पर जो सेवा लई बड़ी श्रद्धा ना नवाई, ते संधवा करतार सिंह हिम्मती बड़े सी, किन्ने जुलूस दिले पंथ दे उत्ते बड़ी नेरी झुली, दंभी लोकां दा बोलवाला बहुत सी। कृपान वाला पिंड च कोई मिलदा नहीं सी हुंदा, भोग लाउण लई भी देखना पैंदा सी। श्री साहब किड्डी कृपा उहने भी कीती, इधर इन्हां महापुरखां ने भी, क्योंकि तीन कांड वेद विच मन्ने, कर्म उपासना ते ज्ञान, चौथा तुरिया कांड है परमात्मा च भेद अवस्था वाली गल। इहदे ग्रंथां जुदे जुदे ना सुन पद आवाज पद बहुत ना है, इन्ना समा नहीं। संत कर्म कांड विच भी पूरे सी, उन्हां वर्गी सोच में कोई हरेक नहीं रख सकता। लंगर भी विवेक दा रहा अखीर तक, और उपासना कांड उन्हां दा वह भी बड़ा कमाल आ, जदों धन गुरु ग्रंथ चरण चाहुंदे सी
निशान साहब नूं किनियां किनियां परकरमा, गुरु ग्रंथ साहब नूं किनियां किनियां परकरमा, नमस्कार करदे हो भी उन्हां दी एक अलौकिक देखण वाली। जदों महाराज नूं चौर साहब की सेवा, बस उदों तां ऐं पई जिवें उह दसां गुरुआं विच लीन ही हो जांदे सी। घंटियां बधी, कोई समा ऐसा है ही नहीं जदों कि वह उन्हों व्यर्थ गुआ। विद्यार्थियों इन्ना सख्ती, उदों पुछ लेना बाहर गए सी की खा के आए, पूरा कंट्रोल। और इस तरह उन्होंने जगह बजगह विचर के बेअंत प्रचार किया, और उन्होंने विद्यार्थी भी बड़े चोटी दे बनाए। महंत जी है, संत भाई ढुड्डी के वाले है, संत कृपाल सिंह वाहिगुरु प्यारे हो गए, और इस तरह होर भी बेअंत है। जे सारी नामावली गिनी है तो बहुत समा लग जाएगा, इशारा समझ लेना। और महापुरखों ने जिवें भरथरी जी कहिंदे ना, मौन गहो अब मौन गहो, जदों बंदा उस मजल ते पहुँच जाता ना, एक अवस्था आती फिर खामोश हो जाता। किनू ज्ञान सुनाना, किहदे नाल करना, ये सारा तो अपना स्वयं स्वरूप है। इस मजल ते आ जाता फिर खामोश हो जाते। संत महापुरखों ने जिहड़ा अंतला समा, बस बिल्कुल निर्वाण पत, खामोशी का वातावरण। विद्यार्थियों ने कहा पढ़ना रहो, जाना जाओ, अखीर तक कपड़े अपने आप धोने, भांडा अपना आप मांजना, बैड अपना, नहाउण धोण की किरिया टोटली किरिया अपने हाथ च रखी। कलयुग की उम्र 100 साल आ, पर उन्हां दी पवित्र किरिया होण दे कारण 103 साल, 3 साल होर रब ने दिते। अखीर तक याद शक्त पूरी, पछाण शक्ति पूरी। कई बार मैं जाना मौजदे होंदे सी, चंगा महाराज फिर फतेह, मैं कहा जी ठीक है, असीं भी कोई इच्छा रख के नहीं आए, जे तुहाडी इच्छा नहीं, इच्छा अपनी भी कोई नहीं, दर्शन मिला ही सी, बड़े खुश हो जाने। कई बार मौज विच कई कई घंटे खड़िया ही बचन करी जाने, मौज आ जाते। संग्रांद नूं कथा हुण करदे हुंदे सी, ते बड़े बड़े बंदे जिहड़े सियाणे उन्हां दी कथा सुण हुंदे सी, 10-10 हज़ार बंदा संग्रांद ते नरोल कथा दा स्रोता। ਵੀ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਲੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੂੰ ਕਰ ਜਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਔਰ ਪਿੰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਇੰਨਾ ਜਪ ਤਪ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬੜਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੀਡਰ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਰਹੇ कि महाराज दर्शन नूं समा, कहिंदे असीं तां आप गुरु नानक साहब दे दर्शन कर रहे हैं। संत सेवा सिंह जी आ गए कार सेवा वाले आनंदगढ़ वाले, बाबा ज्वाला सिंह महाराज ने आप सेवा दित्ती सी, दोनों कन्न फड़ के खिचे, अखां च अखां रलाइयां, सेवा सिंह सारे पहाड़ के गुरद्वारे तैं बनाउणे आ, हुक्म कीता। हुक्म ऐसा हुंदा, बाबा जी नूं कहिंदे वी महाराज भगौर साहब नीह पत्थर रखना, 5 पवित्र महापुरखों के हस्त कमलना। संत कहन लगे देखो किस तरह के बेपरवाह फकीर सी, कहन लगे तुहाडी सेवा यह है, मेरी सेवा यह लाई है, जो महापुरख सेवा मेरी ला गया वह करां जां उधर जावां। पांच अगे पवित्र महापुरखों के कहिंदे फिर नीह कित्थे रखनी, अहे 10 स्थान जिहे चौपे चारी, कहिंदे अगे वह जगह पवित्र नहीं।
पांच अमृतधारी सिंह लैके नहीं रखा दियो, पवित्र तो अगे दसम पातशाह कर गया। थोड़े अखरां विच बहुत बड़ा बचन कर जांदे सी। ऐसा उन्हां दा अलौकिक जीवन। और उन्हां दे एक भरा इधर साढ़े वाल जुड़िया, उन्हां दी आ बरसी मनाई, मैनू फोन किया, मैं कहा भी मेरा तो हुण बाहर दा बन गया। जहेदार संता सिंह निहंग सिंह सी, घरों तेल दी कहानी कढ़ाउण आए सी। श्रीमान बाबा ज्वाला हमारा हरखण दर्शन हो गया, मुड़ के घर नहीं गए। रागी बाग झोंपड़ी पा के बहाल दते, सारी जिंदगी उत्थे बतीत कर गए। ओड़क तक बड़ा जप तप, बड़ी कमाई, पछाण शक्ति, याद शक्ति उन्हां दी भी बड़ी सी। वो संतां तों 3 साल छोटे सी। एक परिवार विच्चों दो ब्रह्मचारी साधुओं का पैदा होना सौखा नहीं। तो बाबा खजान सिंह ने यह नहीं कहा मेरी पीढ़ी चले, आपां किन्ने जफर जालदे हैं। कहिंदे गुरु नानक की जिहड़ी पीढ़ी ये चलती रहे, करो सेवा। अज देखो उन्होंने जिथे जिथे भी टकसाल के विद्यार्थी जाते हैं किमें कृपा होंदी जाती है। हुण तां इत्थे मैनूं ज़्यादा मिलते, उधर घट मिलते हैं। अब बाबा ठाकुर सिंह जी पता नहीं किन्नियां कदर राह खोल गए, सारे आए इधर गए, अखीरी इन्नी कृपा कर गया महापुरख। सो इस वास्ते सतसंगियो, ये महापुरखों का जीवन इस तरह आ जिवें आकाश विच अंत लैना औखा हुंदा ना। उपासना कांठ, ज्ञान कांठ, उहदे च भी वो बड़े भरपूर सी। और अखरां दे ज्ञानी नहीं, आत्म ज्ञानी सन। परपक् अवस्था, त्याग वाली भावना, बैराग वाली भावना, मजल पा के भी उन्होंने जिहड़ा रोज का निज क्रम सी उहदा त्याग नहीं किया। मतवात्र सोध सोच मोमे शनान पांदी किरिया। एक बार मैं गया, कहिंदे मैनू अद्धा घंटा लग जाना। मैं कहा नहीं जी, तुसीं घंटा ला लिओ, काला मैं भी है नहीं, जाना दर्शन करके ही है। फिर आए, कहिंदे चंगा फिर। मैं कहा जी ठीक है, क्यों महापुरखां दे इशारे च सारा कुछ हुंदा, बहुतियां गल्लां दी नहीं हुंदी, जिहड़े पूर्ण तत्व ते लोक हुंदे। सो इस करके सतसंगियो, फिर देखो अखीरले टाइम अपनी इच्छा ना गए, परमात्मा की इच्छा चाहे उदी इच्छा च रहे, उदी आग्या विच ने अंत समय सोध सोचन विच फर्क पै जांदा है। भावें बड़े बड़े बंदे आए, लीडर आए, बड़े बड़े होर धार्मिक बंदे भी आए, जो उन्हां दी मर्यादा सी ना, वो ग्राउंड ऐसी तैयार की जिथे अंगीठा साहब पूरी पाबंदी, जड़े निजम के सेवादार वो दूए नूं अंदर ही नहीं आउण दिता गया। सरोपे भी नहीं, जड़ा मर्जी आके पाई जाए। हुण बाजारां च आउंदे आ तंबाकू वाले, होर इधर उधर हाथ लगदे बिल्कुल नहीं। पूरा विवेक दे मर्यादा विच, ये नहीं भी बड़े बंदे गुस्से हो जाणगे। वो सेवादारां ने भी बड़ा पहरा रखिया और पूरे विधि पूर्वक पहला उत्थे इटां बिछाइयां, अंगीठा संस्कार, ये ना मड़ी बन जाए, इटां उत्थों चुक दित्तियां जाण, कल नूं इत्थे समाध बना ली जाए। क्योंकि जो महाराज का सिद्धांत है, गुरमड़ी मठ भूल न माने, खालसा तां हिंद खालस जाने। साढ़े होती मरदान तो यह जल प्रवाह कर देंगे बड़िया का, कि मड़ी बनने वाला कम ही ना रहे। गज के बोलो होस तां कर दे जल प्रवाह, कि उस दरिया के पानी जी कित्थे बनाउणगे, नहीं तो हटते नहीं दीवा बलनों। सो इस वास्ते अज असी
उस महापुरख के जीवन बारे, वो हुण एडा वड्डा इस जीवन का आकार है, इनू घंटियां च वर्णन करना बड़ा औखा है। इन्ना ही कह सकदा जो बाणी च कहा, संतन की महिमा कवन बखानो, अगाध बोध किश मित नहीं जान। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बख्याने, ये बाणी। सो साध सही समा तेजी नाल अपने टिकाने पहुँच गया, जो टाइम दिता सी, जड़ा शब्द आया वो हुण आपां संखेप विचार थोड़े मिनटां विच, क्योंकि आप सारे काम धंधे वाले हैं, पर जिन्नी संगत बैठी है ना जाने थोड़ी है, ये सारे नाम अभ्यासी भिजे हुए है, पूरे शरदावान आए है। बाकी ये कोविड करके रोक टोक भी है, तो पिंडरी तो उदो कट बहुत सी, बुलारे भी बहुत सी। मैनू कहंदे टाइम, मैं कहा बस दो सकिंटा जी आपां कर जाना जो करना, वो तुसीं सुन ही लिया, हुण पता ही है तुहानू, आओ प्यार नाल सुनिए। महाराज गुरु रामदास सच्चे पातशाह कृपा करदे हन। जैत श्री महला चौथा। जैत श्री राग चौथे सतगुरु कृपा करदे आ। हुण जदों इहदा आचरण संपर्दा दसून, अजकल असीं जी इन्ने हज़ार सहज पाठ कर लिया, मैं कहा संथिया कीती है, सहज पाठ किहड़ा सौखा पाठ है, बिना संथिया ते बस किहड़ा पुछण वाला कोई। संथिया जरूरी है, फिर शुद्ध करना। चिचा ऊड़े नौकर थत्था चौथा, ते जे कनौड़े ना पाजी उचारण दे ढंग होंदे, होर बहुत भेद हैगे बाणी दे। चौथे सतगुरु श्री गुरु रामदास जी महाराज माइयां नूं एक बड़ी अलौक गल कहणगे, प्यार नाल सुणो। जिन हर हिरदा नाम ना बसियो, जिन पचंगियां दे हिरदे जां पचंगणां दे परमेश्वर दा नाम नहीं वसिया है। तिन मात कीजै हर बांझा, वो जड़ियां नाम बाणी तो रहत इस्त्रियां दे जीवात्मा नूं माता जन्म दिंदी है। महाराज कहिंदे उस मां नूं बांझ कर दिओ परमेश्वर, एवें कीड़ियां नूं पैदा करेगी की फायदा। धन गुरु रामदास, सुन लो ध्यान ना माइयो, अज रोई जानी हाँ पिटी जानी हाँ, बाबा खजान सिंह दे जीवन तो सिख्या लो, 36 लख मूल मंत्र, 125 लख जप जी साहब का पाठ करके गुरु नानक दे घरों दातां लईआं, दोनों ब्रह्म ज्ञानी संत। हुण कहिंदे अहे ब्रह्म ज्ञानी नहीं लाइदा, आदे लो किड़ियां किड़ियां शिक्षितां पंथ विच होईआं। सो इस करके कहिंदे उस माता नूं अकाल पुरख बांझ कर दे, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੰਦੇ ਕੀੜੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤਿੰਨ ਸੁਣੀ ਦੇਹ ਫਿਰਹਿ ਬਿਨ ਨਾਵੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਠੀ ਟਕਸਾਲੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਈਆਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਨਾ ਛੁੱਧ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਜਿਨ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ। ਓਏ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੋਏ ਕਰੰਝਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਖੱਪ ਖੱਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੂੰਜੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਰੰਜੀਵੇਂ ਮੀਚਕਣੇ ਦਾ ਬਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੇਲ ਨੂੰ ਕੰਢੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਣ ਸਿੰਘ ਕੁਟੀਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੰਢੇ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੀਚਕਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਰੰਜੂਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਜੂਏ ਦੇ ਬੰਨ 'ਚ ਫਸਿਆ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
मेरे मन जप राम नाम हर मजहा। ए मेरे मन उस परमेश्वर दे नाम नू अपने हिरदे दे अंदर गुरु महाराज के चरणों का प्यार धार के जपना कर। हर हर कृपाल कृपा प्रभ धारी। हरि हर कृपालू परमेश्वर ने उन्हां ते कृपा धारी है। गुर ज्ञान दियो मन समझा। जिन्हां नूं सतगुरु ने आत्मा ज्ञान दिता उन्हां दा मन समझ गया। ज्ञान कादे लेना मन समझावन कारण कशुअक पढ़ी है ज्ञान अज ज्ञान ले नहीं हुण तां सारी दौड़ माया पदार्थां लई है। पर ज्ञान वास्ते आत्मा दे ज्ञान वास्ते महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे फिर मन नूं समझ आउंदी है जिहड़ा गुरु का ज्ञान है। विश्राम दे के टेक दी पंगती अस्थाई दी पंगती ना कृपा करदे हन। हर कीरत कल जुग पद उत्तम। हरि निरंकार दी जिहड़ी कीरती है ये उत्तम है उत्तम श्रेष्ठ पदवी नूं देण वाली है। संत पद यूनिवर्सिटी का नहीं जिवें असाई संत पदवी दिंदे ये बख्शिश है। ये पढ़े अनपढ़े का भी सवाल नहीं जीते गुरु की बख्शिश हो गई उन्होंने मिलता हरेक नूं थोड़ी मिलता। ये यूनिवर्सिटियां की डिग्री नहीं संत पदवी ये कमाई ना मिलने वाली चीज़ गुरु की बख्शिश ना मिलने वाली चीज़ है। फिर पढ़ो हर कीरत कल जुग पद उत्तम। ये हरि निरंकार की कीर्ति जिन्होंने की कल युग भावें कहते बड़ा भैड़ा ये भी उत्तम पदवी नूं देण वाली है। हर पाईआ सतगुर माजा। सतगुरु की संगत विच जा के सेवा सिमरन करके इस पदवी नूं इस रुतबे नूं पाईदा है। हो बलिहारी सतगुर अपने। असी अपने सतगुरां तों कुरबान बलिहार जांदे हाँ। जिन गुप्त नाम पर गजहा। ये जिहड़ा नाम आ कोई समय तो बाद गुप्त हो जाता लोग बकारा च फस जाते हैं भैड़िया बादियां च नाम तो रहिंदा लोप होया हुंदा जेले महाराज आउंदे उस चीज़ नूं फिर प्रगट कर देंदे हन। दर्शन साध मिलियो वडभागी। साधु महापुरखों का दर्शन बड़िया भागा ना मिलता। एक संत सी राजा पुछदा संतां दे दर्शन का फल की है यही प्रश्न करना। वो शहर चल गया बाजार जिथे बेसवा का कटड़ा सी सामने खड़ गया ऐ देवी ये मनुष्य जन्म कादे लई मिलिया तू गंदे कीड़े पैदा कर रही समाज नूं दूषित कर रही अपना जीवन बर्बाद कर रही है। बस दृष्टि दे नाल उहदा जीवन बदल गया कृपा कटाख अवलोकन क्यों दास कदू वधारियो उहनूं भड़ूए आउंदे आ वह तो मस्त मौला बन गई कटड़ा बंद हो गया धर्म स्थान बन गया। राजा फिर प्रश्न करता महाराज संतां दे दर्शन का फल कहिंदे बाजार विच बेसबा को जा उत्तर देवेगी। राजा जिज्ञासू सी आ गया वो कहिंदे जी इत्थे बेसबा का कटड़ा कहिंदे राजन कोई अकल की गल करो वह तो बहुत वड्डी भगतनी है कदों दियां गल्लां करदे आ तुसीं चले हुए कारतूसां दियां गल्लां करदे आ पिछलियां गल्लां छड्डो गल अज दी करो अज की गल वर्तमान की। तो साध संग जी राजा हैरान हो गए ये संतां की संगत है संगत करिए साध की बंदियों करे खदा लोहा कंचन होता है पारस संग मलाए। हाँ जी दर्शन साध मिलो वड भागी। साधु जना का दर्शन बड़िया भागा ना मिलता अथवा उन्होंने दर्शन अमृत वचन सुन के कमाने ना बड़िया भागा बन जाइदा है। उन्हां दी कृपा ना सारे किल निश्चय करके बेखिया वत जिन्हें बकार गवाजा गवाज जाते। ईसा जी को महापुरखों को इस तरह बीबी आयुष वो लकीर खिंच रहे हैं खिंची गया लकीर फिर वो काटा मारत कहते जा देवी कम हो गया सब पाप कटते तेरे। बाबा हरनाम पुचों वाले मुंशी रखे होंगे सनावे तेरे पैदा की ना दादे पड़ादे जा तेरिया नियाँ कोला नरक चों कढ़ती जड़े समर्थ पुरछ है
जहाँ कह गया दरगाह चले। एस डी एम का तो अपनी तहसील चलता, डी सी का जिले एम एल ए लीडर शीडर आ अपने देशों में, संत का हुक्म कितने नहीं जाता। जहाँ का कह दरगाह चले, दरगाह तक उन्हों का हुक्म चलता। एडी समर्था अकाल पुरख वालों उन्होंने प्राप्त हो जाती है। सतगुरु साहो पाया वडदाना, सतगुरु साहो बादशाह दा बादशाह बड़ा दाना दना उन्हां गुरमुखां ने पाया। औरंगजेब उन्हां दे लिख मसाहिब कहिंदे महाराज युद्ध कर कर तां गुरु गोबिंद सिंह ने देख लिया, हुण मोमो ठगणा बन के अपने वल्लों परवाना लिखो कि मेरा राज खुदा ने पातशाही दित्ती है, तुसीं जिवें मेरी परजा रहिंदी उवें रहो, कोई खलल ना मचाओ, जो मंगोगे मिलेगा। परवाना आ गया, महाराज ने उत्तर देता, ऐ औरंगजेब तैनू खुदा ने बादशाही लोगों के जुल्म कर ली नहीं दिती, अधर्म कर ली नहीं दिती, सानू उस अकाल पुरख ने भेजा जो तू काम करना उन्हूं रोकण वास्ते असीं आए, इस वास्ते शहनशाह दा शहनशाह परमेश्वर है तू नहीं। गज के बोलो सतगुर साहो पाया बड दाना बड़ा दना, सतगुरु शाहूकारां दा शहनशाह दा शहनशाह ओ असीं पा लिया है। हर किए बहु गुण साजा, उहदे मिलना असीं बहुत गुणा दे नाल सांझ बना ली है, जां बहुते गुणा वाले पुरशां नाल साडी सांझ बन गई है। जिन को कृपा करी जग जीवन, जग दे जीवन जगत नूं जीवन आसरा देण वाला जीते कृपा कर दिंदा है। हर उर धारे ओ मन माजा, उन्हां ने अपने मन दे अंदर उस परमेश्वर दे नाम नूं धार के नामी ना अभेद हो जाते हैं। जिस तरह असीं अज श्री मान संत बाबा मोहन सिंह दे जीवन की चर्चा कर रहे हाँ। धर्म राय दर कागद फारे, उन्हां महापुरखां दे लेखे तां खत्म होए दुनिया दे कर दिंदे आ। धर्म राय दरवाजे दे ओ जिन्ने कागज़ आ वो सारे पाड़ देंदे हन। जन नानक लेखा समझा, उन्हां जना दा श्री गुरु जी ने सारा लेखा समझ लिया, क्योंकि अलेख दी शरण में चले गए हन। ये सत्संगियो महापुरखों दे जीवन संबंधी, जिमें समुद्र चो एक बूंद भी होवे ना दिखाया नहीं जाता है सही है, पर यह है रिजी दाल जिमें एक दाणा फेंक के देखिए ना बाकी रिजी का ज्ञान हो जाता, इवें किमें जान लेना। कर्मकांड उपासना ज्ञानकांड तुरिया अवस्था विच विचरन वाले महापुरख सी, जिन्हां दे जीवन संबंधी विद्वान भी सी, सारे गुण सन, हर पक्ष विच संपूर्ण, पूरा कबना डोलता पूरा किया प्रभाव, दिन दिन चढ़े सवाया नानक होतना घाट। भावें अं परदेसां च बैठे हाँ पर महापुरखां दी बख्शिश उन्हां दा प्यार साढ़े 12,000 मील ते बैठे तुहाडे मन ताज़ा है, ते तुसीं उन्हां दी जाच विधि पूर्व पाठ कीते, लंगर समागम कथा कीर्तन होए, प्रबंधकां दा संगतां दा सेवादारां दा जिन्हां ने अपने प्यार दा इजहार विद्यार्थियों ने इत्थे भी प्रगटाओ करके दसिया कि संत दी संगत कितनी महान है। सारियां दा समुचे रूप विच बहुत बहुत धन्नवाद। जिन्हां संगतां ये महापुरखां दे समागम दे विचार सुन दियां उन्हां दा भी धन्नवाद। गुरु महाराज कृपा करन ऐसे संत हमेशा वास्ते संसार ते भेजदे रहन। जन मरण दोहु मैं नाहीं, जन परपकारी आए जी दान दे भगती लाइन हर सों नैन मलाए। धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया, जन आवन का यह सुहाओ जन कै संग चित आवै नाओ, आप मुक्त मुक्त करै संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। पुल्यंग पवित्रा जननी कृतार्था, तिन धन जने दी माओ आए सफल से, परवदगार अपार बेअंतु जिन्हां पछाता सच चुम्मा पैर मूँ, सरबर तरबर संत जन चौथा बादल में पर उपकारन कारने चौहां तारी दे। इनियां बेनतियां प्रवान करनियां गुरु महाराज कृपा करन, पढ़ दियो पंक्तियां। जिन को कृपा करी जग जीवन,
जन नानक लिखा समझा। सो सतसंगियो भाई साहब भाई दलजीत सिंह सारे प्रबंधक सेवादार सारे महापुरखों के विद्यार्थी जिन्होंने देखो किड्डी श्रद्धा के नाल विधिपूर्वक शुद्ध पाठ किया जिस ढंग ना तुसीं पाठ किया मैं कहना ये ना मन बाणी शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। अगे साढ़े देह के राजे होंगे सी कोई कलेश होवे जग हवन पूजा पाठ करते ही प्रजा का भला होवे हुणे दूए जतन तो करते हैं चलो भी ठीक है पर जिन्ना चिर परमात्मा का आसरा ना ना लीए वैद बुलाया वैदगी पग ढंडोले बां भोला वैद न जानी कर करे जे मन वैदा संदा संघा इकट्ठा होया अब खदाए रास आप खलोया वाली गल है ना महाराज अगे भी अरदास करो सारे गुरु घरां च सारे धर्मां दे लोग आपो अपने ढंग नाल परमात्मा अगे अरदास करो सब सखाली बुठिया ए हुआ हलेमी राज जियो। सो इनिया बेनतियां प्रवान करनिया गुरु महाराज कृपा करन सब नू नामदान सिखी दान भरोसा तंदुरुस्ती बख्शिश करन प्रबंधकां दा सेवादारां दा सब दा धन्नवाद। खालसा पंथ विच एकता पाग प्यार चढ़दी कला एक मोर्चा दा तुहाडा किसानां वाला कुछ कुछ सफल होया मोर्चे हले अपने काफ़ी है गए मुकया नहीं कम वो काबल दे जम्मे नू नित मेहमान वाली गल है ना ढिले ना पै जाए इस करके मोर्चे होर भी बहुत आ वो टाइम टाइम ना आप सफल करने होणगे तां जे गुरु वाले बन के यूनिटी इतफाक रख के तुरोंगे फिर वो दिन दूर ने जिदन तुहाडा संकल्प महाराज पूरा करेगा। इनियां बेनतियां प्रवान करनियां वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। बोले सो निहाल बहुत बहुत।